पापा, ये मैंने ही लिखा है। पापा एक्चुअली वो बात ये है कि वो राइटर है ना राज अर्जुन, मैं उसकी बहुत बड़ी फैन हूँ, तो पापा उसी से इंस्पायर होके मैंने ये स्टोरी लिखना शुरू किया था। हाँ बेटा, लेकिन अभी तेरी उम्र ही क्या है, अभी तुझे बहुत एक्सपीरियंस गेन करना है लाइफ में, उसके बाद ही तो कुछ। लेकिन पापा, जेन ऑस्टिन भी 18 साल की थी जब उसने अपनी पहली नॉवल लिखी थी, और पापा वैसे भी वो... हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन क्या ठीक है शर्मा जी, क्या ये लव स्टोरी राइटिंग, आई लव यू, ये क्या हो रहा है सब? मॉम ये लव लेटर नहीं है, ये डायलॉग है, डायलॉग, कैरेक्टर का डायलॉग। कैरेक्टर वैरेक्टर कुछ नहीं चलेगा, कोई लव स्टोरी नहीं लिखनी, बस कह दिया ना मैंने। और शर्मा जी आप तो चलिए, आप तो मुझे कुछ बात करनी है, चलिए आप चलिए आइए। गोपाल, साहित्य के फूटते हुए अंकुर को मिट्टी में दफना रहे हो क्या? वही जो तुमने सुना, बालिका में कला है, इसलिए गोपाल तुम उसे निखरने दो। हाँ शायद तुम सही कह रहे हो। ये तो पापा की डायरी है। रवि ये देख इसमें क्या है, इसमें तो पापा की लिखी हुई कविता है जो वो कॉलेज में लिखा करते थे। ये देख इसमें ये लिखा है कि पापा के पापा मतलब अपने दादाजी, उन्हें भी पापा के कविता लिखने से प्रॉब्लम था, वो भी पापा को कविता लिखने से मना करते थे। ओ अब समझा, तब से दादागिरी हमारे घर में चली आ रही है। लेकिन ये दादागिरी अब रोकनी पड़ेगी। अरे कॉलेज के जमाने की डायरी है जिसमें जिसमें आप पोएट्री लिखा करते थे, और फिर आपके पापा ने आपको पोएट्री लिखने से मना कर दिया था। दीदी ये देखो, आपका फेमस राइटर है ना राज अर्जुन, आप ही के कॉलेज में आ रहा, और आपको पता भी नहीं। राज अर्जुन? वो एक्चुअली मैं 2 दिन से कॉलेज नहीं गई ना इसलिए। हाँ दीदी, वो आप ही के कॉलेज में आ रहा कोई बुक लॉन्च करने के लिए, व्हाट अ कोइंसिडेंस ना। पापा, पापा सुना आपने? हाँ हाँ सुना मैंने, सुना। और तो जरूर जाएगी। लेकिन पापा, मम्मी? मम्मी को मैं संभालूंगा। अरे भाई बोलो, मैं कौन हूँ? राज अर्जुन। तुम इसकी फैन हो? मुझे तो ये कोई कार्टून लगता है। शट अप, बहुत बड़ा ऑथर है, बहुत बिकता है। तो गाइस, यहाँ से एक चिट उठानी है, और उस चिट पे एक थीम लिखी हुई है, एक टॉपिक, और उस थीम के अनुसार आपको एक चैप्टर लिखना है, और वो चैप्टर आपको 24 घंटे के अंदर मुझे दिखाना है। व्हाट अ चांस रवि। जिसका भी चैप्टर सबसे अच्छा होगा वो बेस्ट होगा, और उसे मिलेगा मौका मेरे साथ लिखने का मौका। तो गाइस इंतजार किस बात का, उठाइए अपनी अपनी चिट्ठी। हाँ हाँ ठीक है ओके, आपका काम हो जाए। तुम? सर वो मैं कह रही थी कि सर मैंने भी कुछ लिखा है सर, सर आपसे इंस्पायर होके लिखा है सर, आप एक बार पढ़ लीजिए प्लीज, मुझे यकीन है कि आपको बहुत पसंद आएगा। ये स्टेप मैं दिन में 3-4 बार पढ़ता हूँ, और अगर तुम्हें अपने आप पर इतना ही भरोसा है, इतना ही यकीन है, तो कॉन्टेस्ट में भाग क्यों नहीं लेती हो? रवि, I just hope you know कि उन्हें मेरी ये स्क्रिप्ट पसंद आ जाए, बस आ जाएगी। खेल अभी बाकी है, ये सारा का सारा कसूर सिर्फ मेरा है, मैं आगे से अपने लिए इतने बड़े ख्वाब कभी नहीं देखूंगी। नहीं नहीं, कसूर तो मेरा भी है,
मुझे भी ऐसे मना नहीं करना चाहिए था। सॉरी हूँ मैं। हाँ तुम क्यों इतने खुश हो रहे हो? क्योंकि थोड़ी देर में घंटी बजने वाली है। अरे आइए आइए, कोई अच्छी खबर हो तो सुनाइए। खबर तो बहुत अच्छी है, हेमा कॉन्टेस्ट जीत गई है। अरे वाह वाह। आई एम सॉरी हेमा, उस समय मैं बहुत रूड था, और तुम्हारे अंदर तो बहुत टैलेंट है। लेकिन सर आपने कैसे पढ़ी? स्क्रिप्ट तो डिस्ट्रॉय हो गई थी। वो मैंने भेजी थी। आपने कैसे? अरे बाप हूँ तुम लोगों का, मुझे सब पता है। गोपाल उठो, गोपाल गोपाल उठो। क्या हुआ? अरे गोपाल पैलेस की एक और कॉपी तो बनवा लो। हा? और हाँ, साधना को पता नहीं चलना चाहिए। जब तुम्हारी स्क्रिप्ट डिस्ट्रॉय हो गई तो उसकी जो कॉपी मेरे पास थी वो मैं खुद इन्हें देकर आ गया। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। शर्मा जी मैं भी थैंक यू, क्योंकि अगर आपने मुझे बताया होता तो मैं तो आपको ये सब करने ही नहीं देती ना। चलिए मैं ना सबके लिए आलू के पराठे बनाती हूँ, सबके लिए। थैंक यू पाल गोपाल। गोपाल हर बच्चे में कोई ना कोई हुनर अवश्य होता है, और उसे पहचानने का काम उनके माँ बाप का होता है। इनमें ना तो बच्चों का नुकसान होगा और ना ही देश का।